हेलो ये हटाओ यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक, स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, नॉर्मल रोड्स के मुकाबले हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर होने वाले एक्सीडेंट्स हमेशा ही काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ हर गाड़ी की रफ्तार 80 किलोमीटर पर आर से ऊपर होती है और हैवी व्हीकल्स भी इन रोड्स पर तेज रफ्तार में चलती हैं। खासकर अगर हम एक्सप्रेसवेज की बात करें तो यहाँ और भी तेज रफ्तार में गाड़ियों को चलाया जाता है। छोटी गाड़ियाँ और स्पोर्ट्स बाइकें तो 150 से 160 भी दौड़ा दी जाती हैं और ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। हालांकि ऐसे स्पीड में जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होता है, चाहे वो सामने वालों की गलती से हो या फिर कोई और रीज़न हो, तो वहाँ ड्राइवर और राइडर टाइमली गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और ऐसा ही कुछ आप आज के इस एक्सीडेंट में भी देखेंगे जिसे कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली हरियाणा के KMP एक्सप्रेसवे पर करीब 8 गाड़ियों के बीच हुआ है, जिसमें BMW X7, Hyundai i20, Harley Davidson, BMW बाइक और ट्रक ट्रेलर वगैरह शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास ये सारी गाड़ियां KMP एक्सप्रेसवे से होते हुए जा रही थीं। तभी बिलासपुर के पास सामने तेज रफ्तार में चल रहे ट्रेलर के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दिया और बीच रोड पर अपने गाड़ी को खड़ा कर दिया, जिसके बाद पीछे से आ रही और सारी गाड़ियां अनकंट्रोल हो गईं और सबकी आपस में टक्कर हो गई। ट्रेलर के ड्राइवर ने अचानक से ऐसे गाड़ी क्यों रोका, उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा कि इसने ना कोई साइन दिया और ना ही इंडिकेटर ऑन किया है ताकि पीछे से आ रहे लोगों को कुछ पता लग सके कि ट्रेलर रुक गया है। इसके अलावा रोड पर कोहरा भी काफी है, ऐसे में वैसे ही विजिबिलिटी इतनी लो होगी कि कायदे से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। खैर, हो सकता है ट्रेलर के सामने अचानक कुछ आ गया हो जिस वजह से ड्राइवर ने ऐसा किया हो, या हो सकता है कुछ और रीजन रहा हो। खैर, जो भी हो, टक्कर काफी भयानक था जिसमें पीछे से आ रहे गाड़ियों का बुरा हाल हो गया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं ट्रक के पीछे i20 घुसी हुई है जिससे इसका आगे वाला हिस्सा थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है। हालांकि पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे BMW X7 के जबरदस्त टक्कर की वजह से हैचबैक का बैक साइड अंदर घुसकर काफी हद तक खत्म हो गया है। डायरेक्ट इंपैक्ट से इसका डोर, पिलर, छत सब कुछ टूट कर मुड़ा हुआ है। वहीं X7 का फ्रंट बोनट, बम्पर, हेडलाइट वगैरह के साथ डैमेज हो गया है और टेम्पो के टक्कर से इसका को ड्राइवर साइड डोर टूट कर मुड़ गया है। बाकी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा गाड़ी में। अब इसी के नीचे टेम्पो और ट्रक के बीच फंसे इस हर्ले डेविडसन को भी आप साफ देख सकते हैं। दोनों गाड़ियों के बीच पिस कर इसका काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया है, पूरी गाड़ी खत्म हो गई। इसके अलावा पीछे के साइड एक BMW बाइक भी लड़ी हुई है और इसका भी आगे वाला हिस्सा काफी हद तक टूट कर डैमेज हो गया है। ये बाइक वाले भाई लोग राइड पर निकले थे और इनके साथ और भी गाड़ियां थी, हालांकि चपेट में यही दोनों बाइकें आई हैं और अनफॉर्चुनेटली इनके राइडर्स की भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। ये दोनों ही भाई लोग दिल्ली और हरियाणा के बिजनेसमैन हैं। वाकई में यहाँ काफी बुरा हुआ, हालांकि एग्जैक्ट रीजन ना पता होने की वजह से हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये हैवी व्हीकल्स बीच वाले लेन में और ओवरटेकिंग लेन में चल रही थी, जिस वजह से ये भयानक हादसा हुआ है। मैं सडन ब्रेक पर बात नहीं कर सकता क्योंकि उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, अचानक किसी जानवर का सामने आ जाना या कुछ भी, लेकिन एटलीस्ट हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स को अपने लेन में चलना चाहिए था और इनका लेन एक्सप्रेसवेज और हाईवेज पर लेफ्ट में होता है क्योंकि इस लेन की स्पीड लिमिट कम होती है। पर आई एम श्योर आप अगर रेगुलर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर चलते होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये भाई लोग हमेशा ओवरटेकिंग वाले लेन में ही अपनी गाड़ी चलाते हैं, जिससे तेज रफ्तार में चलने वाले छोटे गाड़ियों को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यहीं देख लीजिए, अगर ट्रकें लेफ्ट में होती तो शायद इतना बड़ा एक्सीडेंट ना होता। गवर्नमेंट को इस पर कायदे से ध्यान देना चाहिए और अपने लेन में न चलने पर हैवी व्हीकल्स का चालान करना चाहिए क्योंकि सिर्फ अच्छी रोड्स बनाने से एक्सीडेंट्स के नंबर्स कम नहीं होंगे। एक्सीडेंट्स कम करने के लिए कड़े नियम कानून बनाने होंगे और स्ट्रिक्टली लोगों से उसे फॉलो करवाना होगा, तभी जाकर चीजें सुधर पाएंगी। बाकी आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है कॉमेंट में बताइए।